अच्छा जी, सबसे पहले मैं github.com यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। github.com मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। जैसे ही आप github.com ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आ जाती है। अच्छा, इस स्क्रीन के ऊपर आपने कहाँ जाना है, आपने ये इधर जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। योर प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। ठीक है, योर प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है तो मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, इस स्क्रीन पे आने के बाद आपकी जो तमाम रिपॉजिटरीज़ हैं वो आपको कहाँ पर दिखेगी, वो आपको यहाँ दिखेगी, इधर। ठीक है, इधर दिखेगी रिपॉजिटरीज़ में। अच्छा, मेरे पास ये 354 रिपॉजिटरीज़ बनी हुई हैं। अच्छा, आपके पास एक या दो या जितनी भी आपने बनाई है उतनी होगी, अगर बिल्कुल नया अकाउंट है तो ज़ीरो होगी इसके अंदर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें ये तो तमाम रिपॉजिटरीज़ बनी हुई इधर आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है न्यू रिपॉजिटरी बनाने का, ठीक है जी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक न्यू रिपॉजिटरी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, रिपॉजिटरी क्या चीज़ है, रिपॉजिटरी इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर। ठीक है, ये एक जस्ट फोल्डर है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। हाँ, इसको हम फोल्डर क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको हम रिपॉजिटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये एक ख़ास किस्म का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक आम फोल्डर के अंदर नहीं होती हैं, और वो हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रिपॉजिटरी कह रहे हैं। तो हम, क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हम सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जा रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको रिपॉजिटरी बोलेंगे। अच्छा, या शॉर्ट में इसको रेपो बोलते हैं डेवलपर्स, तो या हम इसको रेपो बोलेंगे, हम इसको फोल्डर नहीं बोलेंगे, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फोल्डर की ही एक किस्म है। अच्छा, इस रिपॉजिटरी के जो नेम की जगह पर, यहाँ पर मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कि मैंने जो दूसरी क्लासेस का बनाया ना उससे कुछ मिलता जुलता नाम मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। कैसे, मैं वापस जाता हूँ ना बैक, ये मेरी सारी रिपॉजिटरीज आ गई। ठीक है, हाँ, जैसे ये मैंने सेक्शन ए और सेक्शन सी रखा है ना, इसी तरह आपका जो सेक्शन बी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी सिमिलर नाम रख देता हूँ आपकी रिपॉजिटरी का। अगेन मैं जाता हूँ, न्यू का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, अगेन मैं जाके न्यू का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर रिपॉजिटरी के नाम की जगह पर मैं ये इसको बी कर देता हूँ। ठीक है, ये डैशेस हटा देता हूँ इसके बीच से मैं। ठीक है जी, पेशावर चैटबॉट सेक्शन बी, ये नाम मैंने लिख दिया। ये नाम लिखने के बाद नीचे मुझसे ये पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन चाहें तो आप कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर। इस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं कि जी रिपॉजिटरी में क्या रखने वाला हूँ मैं, यानी इस फोल्डर, जैसे फोल्डर का नाम रखते हैं, तो इसमें नाम के साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन भी है कि जी आप दो चार लाइनों में आप लिख दें। तो आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसमें ऑप्शनल मेंशन हुआ हुआ है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे कि जी दिस इज़ क्लास कोड रेपो फॉर सेक्शन बी। ठीक है, ऐसे चाहो मैं लिख सकता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। उसके अलावा नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आया कि इस रिपॉजिटरी को पब्लिक रखना है या प्राइवेट, तो पब्लिक रखना है जी। क्यों, हमारा मेन मकसद इस रिपॉजिटरी के अंदर जो हम अपना कोड शेयर करेंगे उसका मेन मकसद क्या है, कि हम ये कोड लोगों को दिखा सकें। सही है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गिटहब इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना कोड आके शेयर करते हैं और दूसरे लोग उस कोड को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, राइट? तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जितना भी काम हम इस क्लास के अंदर करेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, पब्लिक रखेंगे। हमने कोई भी रिपॉजिटरी प्राइवेट अभी नहीं बनानी है। अच्छा, और उसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट की सबमिशन्स होंगी वो भी इसी तरह होगी। आपको अगर मैं कहता हूँ कि जी आप एक वेब पेज बनाएं या आप एक एक कैलकुलेटर की ऐप बनाएं जावास्क्रिप्ट, तो जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आप मुझे यूएसबी में सबमिशन नहीं करवाएंगे, आप मुझे गूगल ड्राइव के ऊपर सबमिशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आप मुझे जो सबमिशन करवाएंगे वो किस तरह करेंगे, github.com के ऊपर एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे, आपके असाइनमेंट का जो नाम है वो आप नाम लिखेंगे, उसमें सारा का सारा कोड आप पुश करेंगे, और वंस वो पुश हो जाएगा तो वो URL आप मुझे देंगे। ठीक है, और इन फ्यूचर वो URL भी नहीं देंगे एक्चुअली, तो मैं खुद ही यहाँ पे एक लिस्ट होगी मेरे पास, उसमें से मैं वो देख लिया करूँगा कि अच्छा जी ये स्टूडेंट है, इसने अभी क्या नई रिपॉजिटरी बनाई, क्योंकि वो वैसे भी पब्लिक होता है। ठीक है, तो हमने तमाम का तमाम कोड पब्लिक रखना है। अच्छा, उसके नीचे मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन को अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, इसको जो डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर छोड़ते हैं हम, और नीचे ये क्रिएट रिपॉजिटरी का बटन है। ठीक है, इसको दबाता हूँ मैं और ये मेरी रिपॉजिटरी क्या हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया कि एक रिपॉजिटरी github.com पे किस तरह बनती है।
अच्छा, जब रिपोजिटरी ये बनकर मेरे सामने आ जाती है तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, एक एक यूआरएल आ जाता है जिसके शुरू में HTTP लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और यूआरएल भी आता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा ना SSH पे, तो आप देखें अब ये दूसरा यूआरएल आ गया। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए HTTPS वाला यूआरएल। ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल ना, वैसे तो गिट में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा इस क्लास का टारगेट ये है कि जस्ट आपको क्या आ जाए, जस्ट आपको एक नई रिपॉजिटरी बना के उसमें कुछ पोस्ट करना आ जाए, है ना। जस्ट लाइक गिट हब इज़ जस्ट लाइक अ फेसबुक और लिंकडिन और ट्विटर, है ना। गिट हब इज़ जस्ट लाइक फेसबुक। तो फेसबुक पे तो लेकिन पोस्ट करना बड़ा आसान होता है कि वंस आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास एक बॉक्स आता है, उसमें कुछ भी लिखते हैं और पोस्ट का बटन दबाया तो वो चला जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन वो डिफिकल्ट आपको अभी फील हो रहा है क्योंकि फेसबुक के अंदर सॉफ्टवेयर तो नहीं पुश करते, सॉफ्टवेयर तो नहीं पोस्ट करते, उसमें तो दो चार लाइनों की कोई बात लिखते हैं पोस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, फिर मल्टीपल फाइल्स के अंदर जो कोड होता है वो किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और वो कोड इंक्रीमेंटल वे में, प्रोग्रेसिव मैनर में वो कोड बढ़ रहा होता है। जैसे पहले मैंने 100 लाइन का कोड लिखा तो उसमें अब मैं अगले दिन 20-25 लाइनों का कोड मैं और लिखूंगा, फिर मैं और, जाहिर है एक सॉफ्टवेयर बनने में शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लगता है ना। तो वो इंक्रीमेंटल वे में उसको मैं बना रहा होता हूँ, तो अब जब जब मैं उसमें कोई चेंजेस करूँ तो मैंने दोबारा पुश करना है। तो ये तो फेसबुक वाले तरीके से तो ये हो नहीं सकता, तो इसलिए ये तरीका इन्होंने डिवाइस किया है। और ये अभी तक का जो बेस्ट तरीका है, जो जो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने जो मतलब जो अच्छे अच्छे तरीके हैं जो सोचे ना, बहुत सारे सोचे, तो ये सबसे बेस्ट है उसमें से, है ना। इसके गिट के अलावा एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड SVN, बट उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो गिट इज़ इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड है, जो इसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है ना। वर्जन कंट्रोलिंग यानी जब दो लोग साथ में काम करेंगे तो कोड आपस में कैसे शेयर करेंगे, और जो कल का कोड था और आज का कोड था उसको भी कीप ट्रैक रखना है। अगर आज के कोड में वो गलती हुई है, मुझे वापस पलट के पीछे वाले कोड पे जाना है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। तो गिट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना, गिट इज़ वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम ना, तो ये वर्जन कंट्रोलिंग का सबसे बेस्ट तरीका है अभी तक का। तो हम इसलिए हम सिर्फ इस पर तवज्जो देंगे जो यहाँ देख रहे हैं, राइट। तो मुझे HTTPS वाले लिंक के ऊपर यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस जगह पर, और यहाँ पर मेरे पास HTTPS का जो लिंक आता है, इस लिंक को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर और इसको कॉपी कर लिया। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ये बटन भी है, अगर इस बटन के ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये लिंक कॉपी हो जाएगा। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे भी मैं इसको कॉपी कर लूँगा बहरहाल। अच्छा, इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंप्यूटर में जाऊँगा और मैं अपने कंप्यूटर में जाकर किसी भी एक फोल्डर में जो इस रिपॉजिटरी को क्लोन करूँगा मैं, राइट। अच्छा, इसको डाउनलोड भी बोला जा सकता था, लेकिन इसको डाउनलोड नहीं बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है क्लोन, ठीक है। बावजूद इसके कि ये काइंड ऑफ डाउनलोड ही है, ये रिपॉजिटरी असल में डाउनलोड होकर आ रही होती है, लेकिन इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है क्लोन। क्यों, कि एक नॉर्मल डाउनलोड में और क्लोन में ना कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन अब वो क्या डिफरेंस है इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर। तो क्लोन एक कमांड लिखेंगे हम जिसके ज़रिए वो क्या होगा, वो रिपॉजिटरी पूरी की पूरी डाउनलोड होकर, क्लोन होकर आपके कंप्यूटर में आके सेव हो जाएगी उसी नाम से जिस नाम से वहाँ पर बनी हुई थी। अच्छा, तो कैसे करूँगा मैं ये काम, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जाना है किसी भी एक फ़ोल्डर में। अच्छा, मेरे केस में मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप के फोल्डर पे। अच्छा, डेस्कटॉप के भी अंदर मेरे पास क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास ये सारी क्लासेस यहाँ पे स्टोर हुई हुई ना, ASF सेक्शन ए, ASF सेक्शन बी, है ना, Badge 9 वेब डेवलपमेंट, सही है, फिर सैलानी AI चैटबॉट Badge 2, ये इस तरह सारे मेरे पास ये रिपॉजिटरीज मैंने यहाँ पे जो क्लासेस की वो स्टोर की हुई है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैंने जो अभी अभी रिपॉजिटरी बनाई है वो कहाँ पर आ जाए, क्लास के फोल्डर के अंदर, और यहाँ ये SMIT B3 के नीचे आ जाए, इस जगह पर आ जाए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रिपॉजिटरीज लाइन से खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आके वो 8वीं रिपॉजिटरी के तौर पर ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लास के फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट को यानी कि टर्मिनल को मैं ओपन करूँगा, ठीक है। अच्छा, कैसे करूँगा मैं ओपन, मैं यहाँ पे लिखूँगा टर्मिनल, ठीक है, इसको मैं जूम इन करता हूँ। अच्छा, ये मैक और लिनक्स के ऊपर ये तरीके से होगा, फिर मैं विंडोज़ पे कैसे होगा वो भी बताता हूँ।
दोनों बताता हूँ, ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो इन फ्यूचर भी, तो आप ये रेफरेंस के तौर पे ही आपके पास ना ये वाला डॉक्यूमेंट मौजूद हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने टर्मिनल को ओपन किया। टर्मिनल को जब मैं ओपन करता हूँ, तो ये टर्मिनल किस जगह पर होता है, ये होम पर होता है। ये जो अलिफ मद्दा बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है होम, क्योंकि लिनक्स में और मैक में ना ड्राइव लेटर्स नहीं होते, जैसे विंडोज़ में होता है ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे होता है, अलग अलग होता है। तो लिनक्स में और मैक में ये नहीं होता है, उसमें ना एक ही ड्राइव होती है, एक ही ड्राइव होती है, उसी में सब होता है। तो उसको और बना भी नहीं सकते, मल्टीपल ड्राइव्स उसमें नहीं बना सकते ना, तो एक ही ड्राइव होती है, दैट इज़ कॉल्ड होम। ठीक है, या ये अलिफ मद्दा, हाँ बच्चे उसको प्यार से अलिफ मद्दा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको डेवलपर्स की ज़ुबान में हम होम कहते हैं। हाइफन भी हाइफन है वैसे तो, ये इस सिम जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, तो इस सिंबल को हम हाइफन कहते हैं, राइट, यही नाम है ना इसका। तो मुझे, मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी है, बाकी चीज़ों में थोड़ा वीक हूँ मैं, तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या नाम है इंग्लिश के अंदर, आई थिंक हाइफन कहते हैं इसको। तो ये इसका मतलब है, ये होम पे इस वक्त खड़ा हुआ है ना, जो इसकी रूट डायरेक्टरी है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सी डी करके मैंने इस फोल्डर तक पहुँचना है, ये जो मेरे पास क्लास है ना, इस फोल्डर तक पहुँचना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा सी डी और स्पेस डालूँगा, और स्पेस डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ से मैं पकड़ूँगा ऐसे, और पकड़ के लाके मैं इसको इधर ऐसे छोड़ दूँगा, ठीक है, और एंटर कर दूँगा। हाँ मैं बताता हूँ अभी विंडोज़ के ऊपर कैसे होता है, मैं वो भी बताता हूँ, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या हुआ, अब मेरा ये जो टर्मिनल है ना, ये पहले होम के ऊपर खड़ा हुआ था, अब ये क्लास के फोल्डर पे आ गया है, ठीक है। मैं एंटर करूँगा, ये क्लास पे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को, टर्मिनल को ओपन करना है, और समहाउ आपको उस टर्मिनल को किधर लेकर आना है, उस फोल्डर में लाना है जहाँ आपने क्लोन करना है। अच्छा, विंडोज़ में ये काम कैसे होगा, ठीक है। अब यही काम मैंने विंडोज़ में करना है, मिसाल के तौर पर कि जी मैंने एक टर्मिनल ओपन किया है, और उसको मुझे क्लास के ऊपर लेकर आना है, मेरी मर्ज़ी के एक फोल्डर में उसको मैंने लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा विंडो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ना ज़रा फ़ोटो से बताता हूँ आपको। अच्छा, आप अपने कंप्यूटर में अपनी मर्ज़ी के किसी भी फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पे जैसे मेरे केस में क्या था, अंडर स्कोर क्लास नाम का फोल्डर था, उसके अंदर मैंने उसको क्लोन करवाना था। तो मैं मिसाल के तौर पे क्या करूँगा, यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने, इधर से डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास अंडर स्कोर क्लास का फोल्डर था उस पर क्लिक किया। वेल, जहाँ पे भी मैंने जाना है मैं वहाँ पर जाऊँगा, और वहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस बार है ना, एड्रेस बार, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, इधर नहीं, ये खाली जगह पर, इधर खाली जगह पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, सी एम डी लिखूँगा, एंटर करूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, वो उसी फोल्डर में होगा। ये सब लोग अभी करें ज़रा अपने सामने, किसी भी फोल्डर में जाएं और उसमें एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करके सी एम डी लिख के एंटर करें, और देखें कि टर्मिनल जो खुलता है क्या वो उसी फोल्डर में खुलता है या कहीं और खुल जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर लें, उसी फोल्डर में खुल रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या कर लिया है, ये आपने ये वाला काम इतना कर लिया, ठीक है। क्या क्या कुछ कर चुके हैं अभी तक हम, github.com के ऊपर एक रिपोजिटरी बना चुके हैं, उस रिपोजिटरी, जी कहाँ तक आपको समझ नहीं आया, अच्छा आप बताएं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। परफेक्ट समझ आ गया। हाँ अच्छा, रिपोजिटरी क्लोन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ यहाँ पे बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है, वापस आ जाता हूँ, मैं रिवर्स हो रहा हूँ। ये मैंने रिपोजिटरी बना ली, और यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल गया, इतना समझ आ गया, या यूआरएल मिलने तक, इसके बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, अब की बार मैं सिर्फ विंडोज़ वाला रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स और मैक यहाँ पे शायद एक या दो के पास होगा, या वरना किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैं विंडोज़ वाला बता रहा हूँ, ये यूआरएल आपको मिल गया। ये यूआरएल मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में जाना है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह का खुलता है ना उसमें, किसी भी फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये खाली जगह पे, ये जो एड्रेस बार है ना, इस एड्रेस बार में यहाँ पे खाली जगह पे आपने क्लिक करना है, और आपने सी एम डी लिख के एंटर करना है। ये जल्दी से आप करके देखें,
टर्मिनल खुल गया इसी फोल्डर में। अच्छा तो अब आपके पास जो टर्मिनल खुला होगा ना वो कुछ इस तरह का खुला होगा। मैं भी अपने पास अब टर्मिनल वापस खोल लेता हूँ। अब आपके पास जो टर्मिनल खुला है ना वो कुछ इस तरह का खुला होगा। मेरे केस में मैंने क्लास वाले फोल्डर में इसको लेकर आना है क्लोन करके, ठीक है। आपने जिस भी फोल्डर पे किया होगा उस फोल्डर का नाम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। सी कॉलन स्लैश स्लैश से पूरा लेके उस फोल्डर तक का नाम आ रहा होगा। अच्छा अब आप किधर आ चुके हैं? अब आप अपने उस फोल्डर में आ चुके हैं जहाँ पर आपने इसको क्लोन करना है। तो क्लोन करने की कमांड बता देता हूँ अब आपको मैं कि क्लोन करने के लिए कमांड क्या चलाएंगे आप क्लोन करने के लिए चलाएंगे गेट स्पेस क्लोन स्पेस और वो URL जो आपने अभी अभी GitHub की रिपोजिटरी जो बना के जो मुझे मिला है वो URL, ठीक है, वो पेस्ट कर देंगे। अच्छा पेस्ट करने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो अब पेस्ट करने में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही थी ना तो उसके लिए मैं बता दूं कि विंडोज़ के अंदर जो है ना वो हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी ना इस पर काम नहीं करता सही। तो आप कोशिश करें आप राइट क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक करके ऐसे आप पेस्ट करें तो शायद ये ज़्यादा आसान रहेगा आई थिंक, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ पे क्या होता है कि जो कंट्रोल सी है ना वो एक दूसरी कमांड है। कंट्रोल सी से किसी चलती हुई चीज़ को रोका जाता है एक्चुअली ना, हम कंट्रोल सी से। तो अब कंट्रोल सी से कॉपी कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी ना, ऐसे करके बोल। तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्यों इस चक्कर में पड़ें राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करें? तो कोई भी चीज़ अगर टर्मिनल के ऊपर कॉपी पेस्ट करनी हो तो आप राइट क्लिक करके ही कॉपी भी करें और राइट क्लिक करके ही पेस्ट भी करें तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा ये कमांड मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन अभी इस कमांड को मैंने रन नहीं किया है। इस कमांड को मैं जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास तो ये सही चल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास आपने नया नया अभी गिट शुरू किया है तो आपके पास आएगा एरर। और वो एरर क्या आएगा, कौन एरर का नाम बताएं, एरर में क्या लिखा हुआ, गेट इज नॉट रिकग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। इट मीन्स कि गेट उसके अंदर कोई कमांड उसको मिल रही नहीं है। अच्छा जी यहाँ तवज्जो दें, आप आपस में बात ना करें, हाँ उनको मुझसे पूछने बोले ना जी। आपको ये समझ आ रहा है जो मैं बताया अभी आपने, मैंने नहीं आया आपको समझ, कहाँ तक समझ नहीं आया? नहीं नहीं कंफ्यूज ना हो आप, रिलैक्स हो जाएं, कोई मसला नहीं है। और सब लोगों को समझ आ रहा है? कोई भी स्टेप समझना है तो मुझसे पूछें, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी रिपीट करना पड़ा मैं करूंगा, आई एम हेयर टू टीच यू ना, है ना। तो कोई मसला नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास 1 घंटा पूरा मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से बंद कर रहा हूँ, दोबारा से बंद कर रहा हूँ, मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ। मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये अभी अभी मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट की और मुझे ये URL मिल गया, ठीक है, इस जगह पर आ गया। अब मैंने इस URL को कॉपी किया, इस URL को कॉपी करने के बाद मैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर में गया और विंडोज़ कंप्यूटर में जाकर किसी भी फोल्डर में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, किसी भी फोल्डर को खोला, एड्रेस बार पे क्लिक किया, CMD लिखा, तो मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसी फोल्डर में टर्मिनल ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर में टर्मिनल, ठीक है। ये मैंने उसी फोल्डर में टर्मिनल ओपन कर लिया, राइट, ये क्लास वाले फोल्डर में टर्मिनल ओपन हो गया। सब लोगों को स्क्रीन सही नज़र आ रही है? अच्छा यहाँ तक समझ आया, टर्मिनल खुलने तक समझ आ गया? सॉरी आपका नाम क्या है? हाँ बुशरा, आपको समझ आया ये टर्मिनल ओपन करने तक? अच्छा नहीं, जहाँ तक समझ आ गया वो मुझे बताते जाएं। टर्मिनल ओपन हो गया आपके पास, आप करते भी जाएं, बल्कि ये साथ साथ ना आप ये स्टेप्स करते जाएं। जी कुछ कोई पूछना चाह रहा है? जो ज़रा वीक है ना उनको लगता है कि यार वो बाद में भूल जाएंगे स्टेप्स, तो आप वो एक काम करें आप साथ साथ करते भी जाएं ना, ये स्टेप्स जो मैं बताता जा रहा हूँ ना आप साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करें ना, ठीक है। वेल ये सेशन में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगा, तो आपके पास ये भी अगर डॉक्यूमेंट रहेगा, लेकिन यार अभी कर लेना, अभी कर लें, क्योंकि अभी अगर आपके पास कोई एरर आना होगा तो वो अभी आ जाएगा। अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको अभी आप चला कर देख लेंगे, तो जो एरर आपके पास आना होगा वो अभी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जवाब मैं यहाँ पर देने के लिए अभी पर्सनली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। नहीं है, ऑन होगा ना, कैसे नहीं होगा?
कुछ वो गिट इंस्टॉल आपने कर लिया था फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अभी गिट तक आते हैं, अभी गिट में आते हैं। वेल अच्छा इतना सब लोगों को क्लियर है, यहाँ तक हो गया सब लोगों का। अच्छा अब आगे देखते हैं। अब इस फोल्डर में आके मैंने कमांड चलानी है, क्या कमांड चलानी है उस फोल्डर को, गिट क्लोन की कमांड चलानी है, जिससे क्या होगा मैंने github.com पे जो रिपोजिटरी बनाई है वो मेरे पास क्लोन होकर आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास क्लोन होकर इस फोल्डर में आ जाएगी। क्या कमांड चलाऊंगा मैं, गिट स्पेस क्लोन स्पेस और वो URL। ठीक है, याद रहेगा, ये मुश्किल तो नहीं है, गिट क्लोन और URL स्पेस देना है दरमियान में। बुशरा ये याद रहेगा आपको? हाँ इसको पेस्ट करना है अभी, इसको आप चलाते जाएं, साथ से चलाएं। अच्छा अब इसके बाद एंटर प्रेस करना है। अच्छा मोस्ट प्रोबेबली आप जब इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, वो एरर क्या होगा, आपके पास कोई एरर आया या चल पड़ा? हाँ इसका मतलब मेरे पास भी देखो यही आएंगे, यही वाला आएगा, है ना। ये मैंने भी एंटर कर दिया और मेरे पास ये कमांड चल गई है और मेरे पास क्या आया, क्लोनिंग इनटू और एक फोल्डर का नाम यहाँ पे बताया गया जी, आपका जिस नाम से वहाँ था ना github.com पे, तो उसी नाम से यहाँ पे क्लोन किया जा रहा है। और लिखा हुआ है कि जी वार्निंग यू अपीयर टू हैव क्लोन एम्प्टी रिपॉजिटरी, कि जी आपने जो रिपॉजिटरी क्लोन की है ना अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ठीक है, अच्छा तो हमने तो बनाया अभी है तो ऑब्वियसली खाली होना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया मेरा, क्या हो गया ये काम बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा पहली दफ़ा गिट इस्तेमाल कर रहा है तो ये वाले कमांड चलाते ही उसके पास एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इट मीन्स कि आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है। गिट कैसे इंस्टॉल होगी? गूगल पे जाकर आप लिखेंगे गिट। देखें मैंने यहाँ पे जस्ट गिट लिखा है, ठीक है, गिट हब नहीं लिखा है आपकी बार। अच्छा गिट हब जो है वो क्या है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गिट ऑन अदर हैंड इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है ना। ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, तो ये हमने क्या करना है, सिर्फ गिट लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही मैं गिट लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास जो पहला लिंक आएगा ना, इट इज़ git-scm.com। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पहला लिंक आया ना, जो इस लिंक के अंदर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, इस लिंक के ऊपर मैंने ये क्लिक कर दिया, ये मैं इस लिंक के अंदर आ गया। अच्छा यहाँ पे आने के बाद बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बटन देख रहे हैं आप, डाउनलोड फॉर मैक लिखा हुआ है इसमें। अच्छा आप जब विंडोज़ पे इसको ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली विंडोज़ वाले लोग हैं, इस पे जब आप विंडोज़ पे जब ये पेज ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, और वो फाइल डाउनलोड जो होगी ना उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसको डबल क्लिक करके रन करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके आपने क्या कर देना है, उसको चला देना है। अच्छा जैसे ही आप चलाएंगे तो एक चकोर सा बॉक्स खुलेगा, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि विंडोज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट जो फाइल डाउनलोड होगी ना उसको डबल क्लिक करके चलाना है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है। उसके दरमियान में वो अगर आपसे जो भी सवालात पूछ रहे हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे उसको आपने जाने देना है। ठीक है, वो जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो असल में बीच में वो कुछ सवालात पूछ रहा होता है, तो जो उसमें पहले से जो लगा हुआ है ना जवाब, जो पहले से सेलेक्ट हुआ हुआ है, उसी पे आपने इंस्टॉल करना है। उसको दरमियान में आपने चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे एटलीस्ट अभी के लिए, फिर बाद में तो आपको जब एक्सपर्ट हो जाओगे आप तो फिर आप चेंज कर लेना अपनी नीड्स के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए उसको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आपने इंस्टॉल कर देना है। वंस आप उसको इंस्टॉल कर देंगे तो फिर आपको ये कमांड दोबारा चलानी होगी, गिट क्लोन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो आपने चलाया था वो तो फेल हो गया एरर आने की वजह से, तो आपको ये कमांड दोबारा चलानी होगी। और जब तक आपके पास इस तरह का आउटपुट ना आ जाए, जब तक, इसका मतलब है कि जब तक आपका ये जो कमांड है वो ठीक तरह से नहीं चली है, ठीक है, आपके पास ऐसा वाला आउटपुट आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा सम टाइम क्या होगा अगर आप डबल भी कमांड चला देते हैं ना, कभी सम टाइम आपको लगता है पता नहीं चला या नहीं चला, तो डबल कमांड चलाने पे क्या लिखा आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एरो अप का बटन दबा के, ये एरो अप से क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, जो भी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में जो लिखा है ना, एरो अप दबाने से वो कमांड घूम घूम के वापस आते हैं। राइट, ये सब लोगों को समझ आया मैंने क्या बात की है? हाँ, अगर आपने 3-4 कमांड लिखी है ना, तो मैं जो मेरे कीबोर्ड के अंदर जो एरो अप का बटन है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो एरो अप का बटन है, जब मैं वो प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि वो कमांड सारी ना घूम घूम के वापस आएगी।
ठीक है, एरो अप का मतलब है कि ये एरो अप वाला बटन, ठीक है ना, ये बटन आप दबाएंगे और एरो डाउन दबाएंगे तो वो हिस्ट्री पीछे उसकी आ रही होती है। सब लोग ये ज़रा अपने टर्मिनल के ऊपर ज़रा ये चला कर देखें, एरो अप का बटन, जो आपने पहले कमांड लिखी होगी ना वो दोबारा दोबारा आ रही होगी। ये इसलिए होता है कि आपको कभी टाइप ज़रा कम करना पड़े ना, कभी कभी आपको ये यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे कि अभी यूज़फुल है मेरे लिए कि जी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इस तरह इसको खोला हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं एरो अप का बटन दबाता हूँ तो ये पहले चली हुई कमांड ना मेरे पास वापस आ गई। अब मैं एंटर करूँगा तो चल जाएगी, मैं और एरो अप करूँगा तो इससे पीछे की जो जितनी कमांड्स चलाई है ना मैंने, वो सब यहाँ पे एक एक करके आ रही होगी। देखें आप, एक एक करके ये सारी कमांड्स आ रही हैं, जो कल वाली भी आ रही है, क्योंकि मैंने शट डाउन नहीं किया सिस्टम को, तो इसलिए कल वाली भी आ रही, शट डाउन कर दूंगा तो फिर नहीं आएगी। अच्छा, तो मैंने क्या किया जी, मैंने गिट क्लोन वाली कमांड दोबारा चलाई है, हालांकि मैं एक दफ़ा चला चुका हूँ, मेरे पास क्लोन होके आ चुकी है रिपॉजिटरी, लेकिन मैं दोबारा क्यों चला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, अगर आप डबल दफ़ा कमांड चलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, एंटर किया मैंने, तो ये क्या कह रहा है कि फेटल डेस्टिनेशन पाथ पेशावर चैटबॉट सेक्शन बी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आप क्या कर चुके हैं, एक दफ़ा उसको क्लोन कर चुके हैं, अब दोबारा आपको क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट जब लिखा हुआ आता है, आप यहाँ फोल्डर में आकर देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डर में क्या आ चुका है आपके पास, सेक्शन बी के नाम से जो मैंने रिपॉजिटरी क्लोन की थी वो यहाँ पर क्लोन हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पे पहले 7 फोल्डर थे, अब ये 8वां फोल्डर जो है इस जगह पर अपेयर हो चुका है मेरे पास। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने क्या कुछ कर लिया है, नंबर एक, github.com पे एक रिपॉजिटरी बना ली है, नंबर दो, उस रिपॉजिटरी को क्लोन करके मैं अपने कंप्यूटर तक ले आया हूँ। ठीक है जी बुशरा, इतना काम हो गया आपसे, समझ आ गया आपको कैसे, कोई इसमें सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? हाँ, अच्छा आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आपने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर आप कितनी फाइलें रख सकते हैं, जितना आपका दिल करे। तो इसी तरह आप एक्चुअल में तो ये एक फोल्डर है, ये देखें, ये क्लास एक फोल्डर है और ये भी एक फोल्डर है। एट द एंड ऑफ द डे रिपॉजिटरी इज जस्ट अ फोल्डर, तो एक फोल्डर के अंदर आप कितने फोल्डर बना सकते हैं, देर इज़ नो लिमिट। ठीक है, तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वेल, हम कोशिश करते हैं कि हम जैसे हम अपने फोल्डर को ऑर्गेनाइज करते हैं ना अपने मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, कि जी एक फोल्डर बनाते हैं उसमें रेलेवेंट फाइल्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक ही जगह रख देते हैं। तो इस चीज़ का हम ज़ाहिर ख्याल रखेंगे अपनी आसानी के लिए, वरना इस तरह की लिमिट कोई कंप्यूटर में नहीं है कि जी आपने 4 रिपॉजिटरी कर ली तो जी अब आप इस फोल्डर में और नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप एक फोल्डर के अंदर जितनी भी रिपॉजिटरी चाहें आप क्लोन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया, github.com पे रिपॉजिटरी बना ली, उसको क्लोन करके अपने कंप्यूटर तक हम लेकर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक का काम कौन ऐसा बंदा है जिसने यहाँ तक का काम पहले नहीं किया था, मतलब जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे ना, 8 के करीब लोग खड़े हुए थे कि हमारा असाइनमेंट नहीं बना है, तो उन 8 में से कितने ऐसे लोग थे जो यहाँ तक उनसे नहीं हो पाया था, ताकि मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई और ऐसा बंदा था बुशरा के अलावा जिससे यहाँ तक नहीं हो पाया था, सब लोगों से हो चुका था यहाँ तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये 2 स्टेप हमारे हो गए, अब 2 स्टेप और रहते हैं हमारे। ठीक है, 2 स्टेप हमारे कौन कौन से हो गए, गिटहब में रिपॉजिटरी बना ली, उसको क्लोन करके अपने कंप्यूटर तक ले आए, अब हमने इस रिपॉजिटरी के अंदर कुछ फाइलें क्रिएट करनी है, कुछ चेंजेस यानी कि इसमें करनी है, और एज अ 4th स्टेप इसको वापस github.com पे पुश करना है। ठीक है जी, तो अब नंबर 3 स्टेप वाला जो अब शुरू करते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने एक्चुअली करना क्या है, ये जो सेक्शन बी है ना यहाँ पे, इसके अंदर मैंने इस जगह पर, यानी कि मेरे पास फोल्डर का स्ट्रक्चर ज़रा ऐसे वो हॉरिजॉन्टल है तो वो इसलिए ऐसे आ रहा है, आपके पास ज़रा विंडो में ज़रा मुख्तलिफ होता है कि वो अंदर जाते हैं तो अब शो होता है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे कुछ फाइलें क्रिएट करनी है, वो फाइल मैं राइट क्लिक करके भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू फाइल ऐसे आ रहा होता है, तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं राइट क्लिक करके नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हम जो कोड लिखेंगे वो हमें कोड एडिटर के अंदर लिखा करेंगे ना, तो क्यों ना हम पहले दिन से इसकी आदत डालें कि हम कोड एडिटर से वो काम करें। तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड VS कोड। अच्छा, VS कोड इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, VS कोड जाके आप गूगल पे लिखेंगे,
ठीक है जी, ये मैंने वी एस कोड लिख दिया गूगल पे जाके, और ये लिखने के बाद मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास ये लिंक आ गया। ठीक है जी, इस लिंक के अंदर चला जाता हूँ मैं, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर चला जाता हूँ। इसके अंदर जैसे ही जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, डाउनलोड फॉर मैक यूनिवर्सल। ठीक है, तो अच्छा आप जब विंडोज़ के ऊपर ये वाला पेज खोलेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़। अच्छा अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो यहाँ से क्लिक करने से भी आ जाता है, ये देखें आप, ये जो कोड एडिटर है ये मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तीनों के ऊपर ही अवेलेबल है। अच्छा आपने क्या करना है, अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो ये वाला आपने डाउनलोड करना है। अच्छा इसमें भी दो आ रहे हैं, एक आ रहा है स्टेबल और एक आ रहा है इनसाइडर। अच्छा तो आपने स्टेबल वाला करना है। स्टेबल वाला क्या होता है जी, वो ज़रा टेस्टेड होता है, उसके अंदर एरर्स के चांसेस कम होते हैं ना, और जो इनसाइडर होता है ना वो क्या होता है, वो ज़रा लेटेस्ट वर्जन होता है, लेकिन वो अभी इतना नया होता है कि अभी अभी बन के निकला है, उसको सही तरह टेस्ट नहीं किया गया है, तो इसके अंदर एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि स्टेबल जो क्या होता है, ज़रा पुराना होता है, मतलब एक दो महीने पुराना होता है और वो अच्छी तरह टेस्ट हो चुका होता है, तो इसके अंदर एरर आने के कोई चांस नहीं होते। अच्छा क्योंकि आप अभी पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि आप कौन सा करेंगे, आप स्टेबल वाला करेंगे, उसका रीज़न ये है जी। कौन सा ऑप्शन, वो स्टेबल ही करता है, अगर आपने इधर क्लिक किया ना इधर, तो स्टेबल ही करता है वो, लेकिन अगर आपने ये इधर क्लिक किया इस वाले पे, तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस पे शो कर देता है ना। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेबल ही डाउनलोड करता है। अच्छा तो हम स्टेबल डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी नया नया सीखा है हमने। अब अगर हमने कोई मिस्टेक की है, कोई एरर हमारे पास आया है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एरर हमारी गलती की वजह से आया है या उसके अंदर कोई मसला था। तो इसलिए लिहाजा हम क्या करेंगे, जो टेस्टेड चीज़ है जिसके अंदर एरर के चांसेस ना होने के बराबर हैं, हम वो वाला करेंगे, यानी कि स्टेबल वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसा समझे कि अच्छा जी जो इनसाइडर है वो तो ज़्यादा लेटेस्ट होता है तो ये वाला करना ज़्यादा, लेकिन ये मुनासिब नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, आपके लिए जो स्टेबल ज़्यादा मुनासिब है, जैसे मोबाइल फ़ोन में जो अपडेट होती है वो भी ना, नई अपडेट होती है तो अच्छा होता है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नई अपडेट भी अच्छी चीज़ नहीं होती है ना सॉफ्टवेयर में खासतौर पर। तो स्टेबल वर्जन हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा इसको भी जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, आपने डबल क्लिक करके उसको रन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, दरमियान में किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने उसको पूरा इंस्टॉल कर देना है। इस पॉइंट पे हमारे पास ये वी एस कोड एडिटर इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल करना है, बाद में आप इसको बस यूज़ करेंगे। अच्छा अब क्या करना है, हमने इस रिपोजिटरी को, इस फोल्डर को ओपन करना है इस कोड एडिटर में। अच्छा पहले मैं अपना ये टर्मिनल है इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर लिखा मैंने तो इससे क्या होता है, ये स्क्रीन ज़रा पुराने कमांड्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर वाली जो कमांड है ये लिनक्स और मैक में और विंडोज़ में CLS है इसके लिए। ठीक है, विंडोज़ में आप CLS लिखेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। ठीक है, CLS लिख के देखें, सब लोग चल रहा है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर CLS टाइप करके देखें, चल गया, कोई मसला नहीं है। मैं तो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए ना। ठीक है, अगर आप क्लियर ना करें तो कोई मसला नहीं है, मैंने इसको इसलिए क्लियर किया ताकि प्रोजेक्टर के ऊपर ना आपको ज़रा अच्छी तरह नज़र आए, क्योंकि इतनी सारी कमांड है ना तो ज़रा मिक्स हो जाता है दिमाग में। ठीक है जी, अच्छा तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। इस वक्त मैं किधर मौजूद हूँ, इस वक्त मैं इस वाले फोल्डर में मौजूद हूँ, क्लास में। लेकिन अब मेरे पास एक फोल्डर कौन सा आ चुका है, मेरी रिपोजिटरी का खुद का फोल्डर आ चुका है, मैंने इस फोल्डर में मूव करना है। ठीक है ना, मैंने इस फोल्डर में क्या करना है, मूव करना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है विंडोज़ के ऊपर कि मैं डायरेक्ट इस फोल्डर में चला जाऊं और इस फोल्डर में जाके वो जो एड्रेस बार वाला तरीका मैंने बताया ना, वैसे करके इस फोल्डर में डायरेक्ट ओपन कर लूं, टर्मिनल बंद करूं, नया खोल लूं। या फिर एक तरीका और भी ये हो सकता है कि मैं जो पहले से चलता हुआ टर्मिनल है उसके अंदर क्या करूं, CD लिखूं मैं, और CD लिखने के बाद मैं स्पेस देता हूं और मैं क्या करता हूं, इसमें टैब दबाता हूं, मैं बगैर कुछ लिखे टैब दबा रहा हूं, नोट कीजिएगा, बगैर कुछ लिखे मैंने टैब दबा दिया है। तो इसने मुझे ना इस ये CD वाली लाइन के नीचे जितने पॉसिबल ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि CD है ना चेंज डायरेक्टरी, CD क्या है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने का तरीका है। तो CD के आगे जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो ज़रूरी है कि एक फ़ोल्डर का नाम हो, CD करके जो उसके आगे आप जो भी चीज़ लिखते हैं इट इज़ मैंडेटरी कि वो फोल्डर का एक नाम हो, क्योंकि फोल्डर के ही अंदर आप मूव कर सकते हैं, फाइल के अंदर तो नहीं जा सकते, फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी तरह रूम होते हैं ना, रूम के आप अंदर एंटर होते हैं लेकिन अलमारी के अंदर तो नहीं एंटर होते ना, अलमारी को आप जस्ट, तो अलमारी इज़ लाइक अ फाइल। तो
सीडी के आगे आप जो भी नाम लिखेंगे, ये ज़रूरी है कि वो फोल्डर का नाम हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीडी लिख के और टैब दबाता हूँ ना, तो जितने पॉसिबल ऑप्शन है ये सामने मेरे आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है इस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसके शुरू के दो चार लिखूंगा, जैसे कि इसमें शुरू में ना पी ई एस है, इसमें शुरू में पी ई एस लिख के टैब दबाऊंगा मैं, तो इसने थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया, इतना कंप्लीट कर दिया। अब इतने के बाद जो है ना, दो दो फोल्डर ऐसे हैं मेरे पास जिसमें इतने के बाद ना डिफरेंट है, इतना सेम है शुरू का, उसके बाद डिफरेंट है। मैंने दोबारा टैब दबा दिया, दोबारा टैब जैसे ही मैं दबाता हूँ तो देखें मुझे इसने बता दिया कि भाई अब जो पॉसिबल है ना वो एक पेशावर डैश चैट बोर्ड है और एक पेशावर डैश वेब है, अब आपको किस में जाना है। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सी लिखूँगा और टैब दबा दूँगा, तो ये खुद ही कम्प्लीट हो गया, ठीक है। एंटर, मेरे पास क्योंकि बहुत सारे फोल्डर थे ना इसलिए ये हुआ। आपके पास क्या होगा मोस्ट प्रॉब्ली कि आप दो कैरेक्टर लिखेंगे, टैब दबाएंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने फोल्डर के नाम को पूरा पूरा टाइप नहीं करना है, आपने टैब का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा नाम लिख के टैब दबाएंगे, खुद कंप्लीट करेगा वो, ठीक है। हाथ से लिखने में ज़रा फिर चांसेस होते हैं कि आप गलत लिख दें, फिर वो एंटर करेंगे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। टैब दबाने से अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की वो कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी, मैं इस वक्त कहाँ पर आ चुका हूँ, मैं अपनी रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। आप गौर करें, जो मेरी रिपॉजिटरी का नाम था वही यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है इस वक्त, ठीक है ना। ये सब लोगों को समझ आया यहाँ तक कि जी मैंने अपने टर्मिनल को किधर मूव किया? अभी मैंने अपने टर्मिनल को, पहले मैं फोल्डर में था, अब मैंने रिपॉजिटरी पर मूव करवा दिया उसको। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। ये कोड स्पेस डॉट क्यों लिख रहा हूँ मैं, जो अभी अभी मैंने वी एस कोड का एडिटर इंस्टॉल किया ना, उसकी वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा, वी एस कोड का एडिटर जो इंस्टॉल किया वो ऐसे करने से क्या होगा, ओपन हो जाएगा और उसमें यही वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ मैं, मेरे फोल्डर को मैंने कहाँ लेकर आ गया, जो जिस फोल्डर में मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ था, अब मैंने अपनी रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में टर्मिनल ओपन किया, पहले मैं इसके पेरेंट फोल्डर में था। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, कोड स्पेस डॉट लिखूँगा। अच्छा, अगर आपके पास कोड स्पेस डॉट लिखने से एरर आ जाता है, सम टाइम आपके पास एरर आ सकता है कि जी कोड इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब ये है कि ये तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ वो, है ना। लेकिन आपने तो अभी इंस्टॉल किया है, लेकिन फिर भी ये आ रहा है। तो अगर कभी भी इस तरह का हो कि आपने कोई चीज़ इंस्टॉल कर ली है, जैसा कि गिट हमने भी किया ना इंस्टॉल, तो गिट इंस्टॉल करने के बाद भी क्या होता है, सम टाइम वो शो नहीं होता है, तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करते हैं तो फिर वो शो हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वी एस कोड जो आपने इंस्टॉल किया है अभी, इसको भी हम क्या करते हैं, अगर वो शो नहीं हो रहा है इंस्टॉल होने के बावजूद भी, तो आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, यानी शट डाउन करके दोबारा से ऑन करते हैं, तो उससे फिर वो शो हो जाता है, ठीक है। तो दो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए हैं आज इस पूरे फ्लो में, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद अगर ये शो नहीं होते हैं टर्मिनल के ऊपर, तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है जी। सॉरी, क्या बुशरा, आपने रीस्टार्ट किया? अच्छा, गुड। शो नहीं हो रहा था आपके पास इंस्टॉल होने के बाद? नहीं, ये तो कुछ और है, ये कुछ और है। अच्छा, चलें रीस्टार्ट कर लें आप। हाँ जी, सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ।
अच्छा आप लोगों के लिए एक सजेशन है मेरी, इसको ना नोट ना करें। आप नोट्स ले रहे हो ना, नोट्स ना लें। नोट्स लेने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। डू यू थिंक के मतलब आप उसको लिखे हुए को देख को फॉलो कर लोगे तो हो पाएगा आपसे? आई डोंट थिंक सो। सही है ना? तो आप ना बेहतर ये कि नोट्स ना लें आप, राइट? क्योंकि मैं ये सेशन ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना स्क्रीन, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है और मेरी स्क्रीन भी, ठीक है ना? अच्छा, मेरा चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, मेरी स्क्रीन है और मेरी आवाज़ है, राइट? इसमें मुकम्मल डेटा आपको मिल रहा है ना। तो क्योंकि ये मैं पब्लिश कर दूंगा बाद में, तो ये पूरा सेशन आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद होगा ना। तो बेहतर ये है कि आप जब मैं बता रहा हूँ ना, तो या तो आप मेरी तरफ़ देखें या तो आप प्रैक्टिस करें ना। अच्छा, प्रैक्टिस भी मतलब मैं जब जब कहूँ तो जब किया करें। अभी जैसे मैंने बोला है ना कि जी मेरे साथ साथ फॉलो करें, तो आइदर यू आर वॉचिंग एट, यू आर लुकिंग एट प्रोजेक्टर, या मेरी तरफ आप देख रहे हो, या मेरी बात सुन रहे हो, या अपना इस कीबोर्ड पे काम कर रहे हो ना। क्योंकि ये नोट्स तो यार आई थिंक इतने बेनिफिशियल नहीं है। और नोट्स लेने से क्या होता है कि जब आप लेक्चर सुनने के दौरान अगर आप नोट्स ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए आप नीचे देखते हैं ना, तो उतनी देर के लिए आपका आई कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है, तो सम टाइम आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाते हैं, है ना? सम टाइम कोई ऐसी, उस 2 सेकंड के अंदर कोई ऐसी बात हो जाती है जो आप मिस कर जाते हैं ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे यहाँ वैसे तो आमतौर पर रिवाज यही है यूनिवर्सिटीज़ में और एजुकेशन सेंटर्स में कि जी टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि जी आप नोट्स लिया करें ना, आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, तो नोट्स लेने के लिए कहते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि जो है ना हमारी इस क्लास में अगर आप नोट ना लें तो बेहतर है ना, आप नोट ना लें तो बेहतर है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है एट द एंड ऑफ द डे ना। सॉरी, आपका नाम क्या है? ईमान। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नोट्स ले रहे हो तो आपको शायद ऐसा लगा कि मुझे पॉइंट करके तो नहीं कह रहे टीचर मेरे। तो बिल्कुल भी मैं आपको पॉइंट करके नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे तो कह दिया सर ने, ऐसे किसी को और को नहीं कहा, ठीक है? ये मैं तमाम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है ये, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो मैं ये मेरी सजेशन है आप सब लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि मेरी क्लास में आप कोशिश करें नोट्स ना लें, ठीक है? आप गौर से सुने जो आप चीज़ कर रहे हैं, और ये तमाम की तमाम कमांड्स जो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आपको शायद अभी ये बहुत मुश्किल लग रही होगी कि जी ये तो इतनी सारी कमांड्स हैं, ये तो मुझे याद करनी पड़ेगी। आई गारंटी कि ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको खुद याद हो जाएगी, ये आपको क्या हो जाएगी, खुद से याद हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी दफ़ा आमीन के तो अल्लाह करे ये आपको इतनी दफ़ा करें आप कि आपको खुद ही आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, ठीक है? तो एक चीज़ होती है ना मसल मेमोरी कहते हैं उसको, तो आपके वो ऑटोमेटिकली हाथ पे ना चीज़ सेट हो जाती है। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बंदा ना इसको याद करने की कोशिश करता है, अगर अभी वाला कोड या इन फ्यूचर जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको याद करने की कोशिश अगर आप में से कोई भी करता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको याद करें, बल्कि ये अपोजिट होगा। उसको याद करने से क्या होगा कि आपका कॉग्निटिव ज़रा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को स्विमिंग की मिसाल देता हूँ। आप में से स्विमिंग आती है कुछ, किसी को स्विमिंग नहीं आती है? तो स्विमिंग में एक्चुअली ये होता है, लेकिन कॉमन सेंस तो आप सब लोगों में है ना, तो मेरा मैं एक सवाल पूछूंगा तो आपको उसका जवाब पता है, आई एम श्योर। 1 साल तक एक स्विमिंग की आप सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट स्विमिंग की बुक, इतनी मोटी वाली जिसमें स्विमिंग के 101 तरीके लिखे हुए हैं, सारे पॉसिबल मेथड, सारे पॉसिबल कि जी हाथ को ऐसे करें, जी पैर को ऐसे करें, और ऐसे करें, ऐसे सांस करें, और सब लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। अब 1 साल तक आप उस बुक को रोज़ पढ़ते हैं, 8-8 घंटे रोज़ आप उस बुक को पढ़ रहे हैं 1 साल तक, 365 दिनों तक, 12 महीने तक। साल के एंड में क्या आपको समुंदर में फेंका जाएगा? तो कितने परसेंट चांस है कि आप सरवाइव कर जाएंगे? ज़ीरो। नहीं, अभी तो आपने सिर्फ बुक पढ़ी है, तो कितने परसेंट चांस है कि आप बच जाएंगे? 0-1 या 2-4%, 5% चांस है कि शायद आप बच जाएं, ठीक है? हाँ, किसी ने बचा लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। नहीं, आपको, आप साल पूरा आपने पढ़ाई की है ना, तो आपको अभी जाहिर है यहाँ पे भी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अल्टीमेटली 6 महीने का कोर्स करने के बाद आपने या तो इंटर्नशिप में या किसी फ्रीलांसिंग में, है ना, जैसे पहली क्लास में क्या फ्रीलांसिंग आपने करनी है इंशाल्लाह, तो जाहिर है फ्रीलांसिंग जब करेंगे तो रियल लाइफ के सॉफ्टवेयर जब आपके सामने आएंगे ना बनाने के लिए, तो दैट इज़ अ समंदर एक्चुअली ना।
तो समुंदर की मिसाल मैं इस वजह से दे रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा स्विमिंग सीखता है, 1 साल तक वो स्विमिंग की बुक पढ़ता है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो सिर्फ बुक पढ़ रहा है, और साल के आखिर में उसको अगर समुंदर में डाला जाए ना, फेंका नहीं जाए, डाला जाए ऐसे प्यार से भी यूँ टप करके छोड़ा जाए ऊपर से, तो वो भी सीधा अंदर जाएगा उसके, ठीक है ना। फेंकना वो ज़रूरी नहीं है, उसको प्यार से भी डालो तो वो अंदर ही जाएगा, तो उसके बचने के चांसेस मेरे हिसाब से तो 0 हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर उसको स्विमिंग सीखनी है, वाकई वो सीरियस है और उसको स्विमिंग सीखना चाहता है, तो क्या करना होगा, पहले ही दिन से जो पहला चैप्टर पढ़ते ही उसको क्या करना होगा, किसी स्विमिंग पूल में, किसी पानी के टब में पैर छोटे मोटे ना हिला हिला के कुछ करके, तो पानी के अंदर उसको एक्सपोजर लेना पड़ेगा पानी का ना। ऐसा नहीं होगा कि जी आप सिर्फ पढ़ते रहो, आप प्रैक्टिस ना करो। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, इसकी मिसाल बिल्कुल स्विमिंग के जैसी है, कि आपने पहले दिन से बुक पढ़नी है, तो बुक पढ़ने के साथ साथ आपने उस बुक को प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो मेरे पास हर चीज़ ऐसी स्मूथली आपको लगेगा कि हो रही है, आपको लगेगा ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। अभी मैं जितनी आपने वो मेरी लास्ट वाली वीडियो भी जो आपको भेजी थी मैंने, जिससे आपने देख के असाइनमेंट, तो उसमें आपने देखा कि मैं हर चीज़ करता जा रहा हूँ, होती जा रही है, आप कर रहे हैं तो नहीं हो रही, तो ये वाला मसला है। वो इसलिए मेरे से स्मूथली हो रही है कि मुझे वो एरर भी पता है जो नहीं आ रहे हैं, है ना, मुझे वो एरर भी पता है जो नहीं आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जी आप ये वाला कोड लिखेंगे तो ये एरर आएगा, ये एरर आ सकता है, वो मैंने सारा आपको बता दिया ना। तो ये इस वजह से है कि ये डेली प्रैक्टिस हो रही है इसकी। अगर ये डेली प्रैक्टिस मैं ना करूँ, अभी पिछले दिनों मैं कश्मीर चला गया 10 दिन के लिए, वापस आया मैं सारा कोड भूल चुका था। 10 10 साल का एक्सपीरियंस वाले जो ये मीम सॉफ्टवेयर डेवलपर ना, आपस में मजाक मीम कहते हैं ये, तो वो मीम ये बनाते हैं वो कि सीखने में लगते हैं 10 साल और भूलने में लगते हैं 10 दिन, तो 10 दिन में सब भूल जाता है बंदा। तो आपने क्या करना है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया, अभी तक हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, तीसरे स्टेप में हम इस वक्त मौजूद हैं। नंबर 1 स्टेप क्या किया था, github.com पे एक रिपॉजिटरी बनाई थी। नंबर 2 स्टेप, हमने उस रिपॉजिटरी को क्लोन करके अपने कंप्यूटर में ला के रखा था। नंबर 3, उस रिपॉजिटरी के अंदर अब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसमें कुछ फाइलें क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके प्रोसेस के अंदर हम, अच्छा हमने क्या कर लिया, एक VS कोड अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया इस वक्त, और मैं अपने रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में, आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप ये कोड स्पेस डॉट चला रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा हो, आपके पास रिपॉजिटरी वाले फोल्डर का नाम आ रहा हो, यानी आपकी रिपॉजिटरी का ही यहाँ पर नाम आ रहा हो, जब भी आपने ये कोड स्पेस डॉट लिखना है। अच्छा, कोड स्पेस डॉट लिख के जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास VS कोड ओपन हो जाता है, ठीक है। ये अच्छा, मेरे पास पहले से भी एक VS कोड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ताकि एक ही VS कोड खुला हुआ ना मेरी स्क्रीन पे। अच्छा, जैसे ही मैंने देखे आप ये कोड स्पेस डॉट लिख के इसको एंटर किया है ना, तो वैसे ही मेरे पास क्या हुआ है, मेरे पास ये VS कोड खुल के सामने आ गया। अच्छा, ये VS कोड क्या चीज़ है, ये कोड एडिटर है, या इसको टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं। अच्छा, VS कोड इज़ नॉट द ओनली टेक्स्ट एडिटर, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला इस्तेमाल करें, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर ना ये वाला टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी अगर बिगनर हैं तो कोशिश करें आप भी यही वाला इस्तेमाल करें, ताकि मेरी स्क्रीन और आपकी स्क्रीन पर ना एक जैसे बटन आ रहे हो, एक जैसे ऑप्शन आ रहे हो, ऐसा ना हो कि कहीं आप कोई दूसरा एडिटर इस्तेमाल करें तो आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा आना शुरू हो जाए ना, और वो आपको फिर समझना है, फिर आप स्टक हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो मेरे पास VS कोड की जो स्क्रीन आ रही है, इसमें मेरे पास एक बटन आ रहा है, दिस बटन इज़ कॉल्ड न्यू फाइल। इस बटन को मैं एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन अपेयर हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं क्या लिखूँगा, मेरी एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ फाइल, ठीक है। तो मैंने इसमें कह दिया कि माई फर्स्ट फाइल मे बी, ठीक है, या मैं माई फाइल बना देता हूँ, जस्ट कोई भी नाम लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी का। उसके बाद मैंने लिखना है .txt। .txt क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ मैं। अच्छा, सॉरी, हाँ, MP3 होता है, तो उसमें सॉन्ग वगैरह जो होता है, ऑडियो फाइल MP3 होती है, ठीक है, वीडियो फाइल जो MP4 होती है, ठीक है, इसी तरीके से PDF भी एक फ़ाइल होती है .pdf, जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं, इसी तरीके से। तो ये फाइल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं ना, तो जब तक मैं इस पर .txt नहीं लगाऊंगा ना, तो मेरे कंप्यूटर को ये बात समझ नहीं आएगी कि ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। बन तो ये फिर भी जाएगी और पुश भी हो जाएगी, लेकिन अगर .txt लगा दें तो बेहतर है। अच्छा जी, हाँ दे सकते हैं मैं,
आपका शायद सवाल नहीं समझा मैं, आप सवाल अपना ज़रा दोबारा रिपीट करें। हाँ फाइल का नाम आपने कहा, मिसाल के तौर पे आपने एक रिपोजिटरी बनाई पहले, उसमें आपने ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से एक फ़ाइल बना दी है, अब आप एक दूसरी रिपोजिटरी बनाते हैं, हाँ तो उसमें बिल्कुल सेम नाम की फ़ाइल आप रख सकते हैं, ठीक है। ये दो रिपोजिटरी बिल्कुल अलग अलग फोल्डर हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो एक रिपोजिटरी के अंदर क्या चीज़ है वो दूसरी रिपोजिटरी को पता नहीं होती है। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी रिपोजिटरी वाले फोल्डर में एक नई फ़ाइल क्रिएट की है। अच्छा वो फ़ाइल मैंने वी एस कोड से क्रिएट की है, लेकिन अगर आप इसमें वापस जाएँ ना, ये वापस आ गया ना, मैं इसमें देखें मेरा कौन सा फोल्डर था, क्लास, इसके अंदर मैंने ये क्लोन किया था, ये पेशावर सेक्शन भी, और ये इसके अंदर माई फाइल डॉट टी एक्स टी, देखें बन गया। मैं राइट क्लिक करके भी बना सकता था, लेकिन मैं राइट क्लिक करके नहीं बना रहा हूँ, मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं कोड एडिटर के ज़रिए बना रहा हूँ, मैं वी एस कोड से बना रहा हूँ, राइट। तो मैंने वी एस कोड से ये बना दिया। अच्छा और इस फाइल के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट क्या लिख देता हूँ मैं कह देता हूँ भाई दिस, हाँ बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। अच्छा इस फाइल में जब आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो आपने मेक श्योर करना है, जैसे मैंने लिखा ना फाइल और मैंने कहा फुल स्टॉप, तो आप ये नोट करें कि यहाँ पे एक ये गोल सा डॉट बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है ये फाइल सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी एक, नहीं कंट्रोल एस ही करें फिलहाल के लिए ना, तो मैंने कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे वी एस कोड का काम कंप्लीट हो गया। अच्छा आपने क्या सवाल पूछा था, हाँ जो मेरी गिट की रिपॉजिटरी है ना उसके अंदर अगर हम हिडन फाइल को शो करते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी फाइल होती है गिट लिखा हुआ होता है इसमें, ठीक है। ये वाली जो, ये वाला जो फोल्डर है ना छोटा सा गिट का फोल्डर, इसको आपने ओपन नहीं करना है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसको आपने डिलीट नहीं करना है, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सिस्टम के ज़रिए मैनेज किया जा रहा होता है, यानी आपने जो छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना गिट, वो सॉफ्टवेयर इसको मैनेज कर रहा होता है, आपने इसको कभी भी हाथ से छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने ये हिडन फाइल शो की है तो ये नज़र आया, अदरवाइज ये नज़र नहीं आता, तो मैं वापस इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड हो गया वापस, ठीक है। अच्छा हिडन फाइल जो है मेरे पास क्या कर दी, वापस मैंने हाइड कर दी जी, कंट्रोल एस, सेव के लिए ना कंट्रोल एस दबाएंगे आप तो सेव हो जाएगा, हो गया सेव, हाँ जी। किसी का कोई सवाल इस स्टेप के ऊपर, सब कुछ क्लियर है, बुशरा की आवाज़ नहीं आई, बुशरा नाम है ना, सॉरी क्या, अरे ये क्या हुआ, अच्छा चलें। और तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, पीछे वाले जो लोग खड़े हुए थे कि जिन्होंने कहा था कि असाइनमेंट उनका कंप्लीट नहीं है, उनकी कोई आवाज़ कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है मेरे पास, राइट। पीछे कितने लोग थे जिनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था, वो ज़रा दोबारा तो खड़े हो गए, मुझे शक्ल दिखाएं ना, आप इसको फॉलो कर रहे हो साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ, आपसे हो गया सारा ये काम जितना, अच्छा इस तरफ जो स्टूडेंट बैठे हैं एक पीछे, आपसे हो पा रहा है ये सारा कुछ, घर जाके करो, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, अच्छा वेरिफिकेशन कोड आ गया, चलें। अच्छा क्या ख्याल है, इसको आगे बढ़ाया जाए फिर, अच्छा हमारे पास ना असल में टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ ना, कंप्लीट कर देता हूँ, और ये जो सेशन रिकॉर्डेड है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दो घंटे के अंदर वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे क्या स्पीड अवेलेबल है। तो आप जो है ना फिर आपने इसको देख के कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और अभी जाने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रा और आपकी वो आपको खड़ा कराऊंगा जिन लोगों का असाइनमेंट नहीं हुआ है ना, तो बाकी क्लास सब उनकी शक्ल देख ले, और उनसे बाकी क्लास वालों की ज़िम्मेदारी है कि उनसे करवाना है आपने असाइनमेंट, ठीक है। एक तो बुशरा नाम याद हो गया मुझे आपका, बाकी लोगों के भी नाम आप शक्ल देख लें और उनसे नाम भी पूछ लें आप,
तो जितने लोग क्लास में ऐसे हैं ना जिनका असाइनमेंट हो चुका है, अब जाहिर है वो तो बोर होंगे ना आगे, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक इन तमाम लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अब जैसे भी करें, वो किसी की 10 लोगों की हेल्प लेके करें, जैसे भी करें, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाना चाहिए, होगा जब ही मैं आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो जिनका तो कंप्लीट हो गया वो तो बोर होते रहेंगे क्लास में बैठ के, तो लिहाजा आप सबको मैंने उन पर मसल्लत किया हुआ है, सही है ना, कि आप अपनी बोरियत को बचाने के लिए आप उनको जल्दी से जरा ऐसे हिलाएं कि यार उठो उठो भाई, करो फटाफट। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी ना, फाइल क्रिएट करके कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, यहाँ पे मेरे वीएस कोड का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं वापस अपने टर्मिनल पे आता हूँ, और वापस अपने टर्मिनल पे आके मैं, जी अभी मैं अपने टर्मिनल में कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी रिपॉजिटरी वाले फोल्डर के अंदर, जहाँ पे मैंने कोड स्पेस डॉट चलाया था, मैं एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे खड़े होकर मैंने क्या कमांड चलानी है, 3 कमांड चलानी है, ठीक है। अभी चौथा स्टेप हम कर रहे हैं ना, वापस उसको गिटहब में पुश कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस वाला काम तो कर लिया हमने, अब ये चौथा स्टेप है। नंबर एक स्टेप क्या था, गिटहब के ऊपर एक रिपॉजिटरी क्रिएट की है। नंबर दो स्टेप ये था कि उसको क्लोन करके अपने कंप्यूटर में लाए हैं। नंबर तीन स्टेप, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जो अभी हम कर चुके हैं चेंजेस। अब चौथा स्टेप करने जा रहे हैं, इसको वापस github.com पे पुश करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 कमांड लिखूंगा जिससे ये पुश हो जाएगी ना। मैंने कहा गेट स्पेस एड स्पेस डॉट, ये लिख के मैं एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहली कमांड मेरी चल गई, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया, तो ये कमांड बिल्कुल ठीक चल गई है। सम टाइम आपके पास यहाँ पे एरर आता है कि जी दिस इज़ नॉट अ गिट रिपॉजिटरी, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस फोल्डर में ही, आप किसी गलत फोल्डर में खड़े हैं। ये कमांड उसी फोल्डर में चलेगी जो एक वैलिड गिट रिपॉजिटरी होगी। अगर आपने किसी नॉर्मल फोल्डर में इसको चला दिया जो कि गिट रिपॉजिटरी नहीं है, तो ये एरर दे देगा आपको। जी कोई सवाल है आपका, ठीक है, ये समझ आ गया, गिट स्पेस एड स्पेस और डॉट, ये डॉट आपने लाजमी लगाना है, ठीक है, ये डॉट भूलना नहीं है आपने। अच्छा, अगली कमांड आपने कौन सी चलानी है, वो चलानी है आपने गिट कमिट, बोलते जाएं माइनस एम, और उसके बाद कोई भी मैसेज जो भी कमिट के साथ आप लिखना चाहें। मैंने कहा कि जी फर्स्ट कमिट, हाँ अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा ये गिट कमिट की कमांड चलाएंगे तो ये कमांड फेल हो जाएगी, ठीक है, ये कमांड क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अभी तो मैं एंटर करूँगा तो ये सही चल पड़ेगी, अभी सही चली है ये, लेकिन आप पहली दफ़ा अगर आपने गिट इंस्टॉल किया है तो ये कमांड आपके पास फेल हो जाएगी, और इस कमांड की जगह पर एरर क्या आ जाएगा कि टेल मी हु आर यू, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, तो कैसे है जी, आ जाओ उसको ज़रा उस एरर की फ़ोटो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जी गिट config, सॉरी नहीं, वो तो मैंने बस, मैं फोटो दिखाना चाह रहा हूँ आपको असल में उसकी। नहीं आएगा ये 100% आएगा, अगर पहली दफा आपने गिट इंस्टॉल किया है ना तो कमिट वाली कमांड चलाते हुए ये एरर लाजमी आएगा। आपके पास नहीं आया होगा, या तो पहले से गिट किसी ने यूज किया होगा आपके कंप्यूटर पे, फिर नहीं आया होगा। वेल, चलें आप इस तरफ देख लें, अगर तो ये एरर नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप चलाते रहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा ज़रूर। हाँ, एरर आएगा ना, तो एरर का मैसेज आपने पढ़ना है अच्छी तरह। इस एरर के मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी प्लीज़ टेल मी हु यू आर, और यहाँ पे इन्होंने कहा है रन, और 2 कमांड यहाँ पे खुद से लिख कर दिए इन्होंने कि जी ये कमांड रन दिस कमांड, इन्होंने ये बोला हुआ है। तो पहली कमांड है ना गिट कॉन्फिग, गिट स्पेस कॉन्फिग स्पेस माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट ई मेल स्पेस, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आपकी वो ई मेल जो github.com पे जिस ई मेल से आप साइन अप हैं, ठीक है, वो वाली ई मेल। ये कमांड एक आपने चला दी, अलग अलग चलेगी ये दोनों कमांड, अगर कोई किसी ने ऐसा किया ना दोनों कमांड को एक साथ कॉपी करके चलाया तो ये काम नहीं करेगी ना, इसको आपने अलग अलग लाइनों को 2 अलग अलग दफ़ा में चलाना है। हाँ, इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए करना है ये आपने, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर। बताओ यार, अच्छा, और फिर कह रहा क्या है ये, ओके गॉट इट, और उससे ऊपर ये कमिट अननोन एज डेस्कटॉप मेन रूट कमिट,
और बस एंटर करो तो हो गया। सब लोगों के पास इसी तरह आया था क्या? अच्छा वेल, अगर कोई एरर आता है ना तो आप ये दोनों चला देना। अगर तो ये आपके केस में ना जो एरर का मैसेज आपने मुझे पढ़ के सुनाया है वो असल में ये कह रहा है कि आपका ये नाम और ईमेल गिट ने खुद सेट कर दिया है। ठीक है, कैसे सेट कर दिया? जो आपके कंप्यूटर का नाम है ना उसको देखते हुए सेट कर दिया। जो आपके कंप्यूटर का नाम था वही नाम उसमें सेट कर दिया ना। और वो कह रहा है कि अगर आप स्टिल आप इस नाम से खुश नहीं हैं, अगर जो नाम गिट ने खुद से सेट किया है वो अनआइडेंटिफाइड पता नहीं क्या क्या रखा है नाम, नहीं उसने एक बताया था कि जी ये नाम मैंने रखा है। तो वेल वो कह रहा है कि अगर आप इस नाम से खुश नहीं है ना तो फिर आप ये कमांड खुद से चला के ये नाम अपना खुद से सेट कर दें आप, राइट? तो आपने ये दोनों कमांड अलग अलग चलानी है। और ये दोनों कमांड अलग अलग चलाने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये गिट कमिट वाली कमांड तो आपकी फेल हो गई थी ना, तो ये गिट कमिट अब आप दोबारा चलाएंगे, राइट? दोबारा चलाएंगे क्योंकि पहली दफ़ा तो फेल किया उसने। अच्छा, तो गिट ऐड डॉट गिट कमिट माइनस एम और कमिट का मैसेज, और उसके बाद गिट पुश। ऑरिजिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुश से भी हो जाता है, ठीक है? वो ज़रा शायद जो आपको वीडियो भेजी थी वो ज़रा पुरानी है, उस वक्त ऑरिजिन लगाना पड़ता था, अभी सिर्फ गिट पुश लिखेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया, ये तीन कमांड मैंने लिखी है तो ये वापस पुश हो गया। अच्छा, ये वापस पुश होने के बाद क्या हो गया, मैं जाऊँगा यहाँ पर गिट की रिपोजिटरी पर, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर वो कोड आ चुका होगा, ठीक है? अब मैंने मज़ीद अगर इसमें चेंजेस करनी है तो मैं वो कैसे करूँगा, ये भी तो एक सवाल आ सकता है ना कि जी एक दफ़ा तो मैंने एक वेबसाइट बना रही थी, मैंने एक पेज बनाया पुश कर दिया, अब अगले दिन मैंने उसी वेबसाइट में एक दूसरा पेज भी तो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा किधर, अपने वी एस कोड में, और अपने वी एस कोड में आके कुछ चेंजेस करूँगा। मैं क्या चेंजेस करूँगा, मैं सारी कमांड यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाएँ, है ना? वैसे तो वो रिकॉर्डेड हो गया लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। मैंने कहा गिट ऐड डॉट, ये पहली कमांड हो गई, गिट कमिट माइनस एम और योर कमिट मैसेज, ठीक है जी? और उसके बाद गेट पुश। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पे, कुछ कुछ एडिशनल डेटा यहाँ पे लिख दिया जो कि पहले नहीं था, है ना? अभी तो हमने कोडिंग नहीं सीखी है लेकिन कोडिंग के सेंस में आप ये समझें कि एक पेज बना हुआ था, मैंने एक पेज और बना दिया वेबसाइट में, ये कुछ एडिशनल कोडिंग। प्यारे दोस्तों बातें नहीं करें, ज़रा सुन लें, हमारे पे टाइम बहुत कम है, मैं ख़त्म करने लगा हूँ ये, ठीक है? ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने इसको पुश करना है वापस गिटहब में, कैसे करूँगा मैं इसको वापस, मैंने गिटहब में पुश करना है, ये नई चेंजेस हैं जो दोबारा मैं वो तीनों कमांड चलाऊंगा, ठीक है? क्लियर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, दोबारा कमांड चलाता हूँ, गिट ऐड डॉट गिट कमिट माइनस एम सेकंड कमिट, राइट, और गिट पुश, ठीक है जी? अब मैं जितनी दफ़ा भी इस चीज़ को प्लीज़ गौर से सुन लें, अब मैं जितनी दफ़ा भी इसमें मैंने चेंजेस करनी होंगी, देखें अभी मैंने ये दोबारा से तीनों कमांड चलाई है ना, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करते ही ये नई वाली चेंजेस यहाँ नज़र आ जाएगी, ठीक है ना? ये github.com में देखें वो चेंजेस यहाँ पहुँच गई है। अब मैं जितनी चेंजेस करता जाऊँगा हर चेंज के बाद मैं ये तीनों कमांड चलाऊँगा, तो ये मेरी चेंज उठ के कहाँ चली जाएगी, github.com पे पुश हो जाएगी। अच्छा, ये कमिट मैं कब करूँगा, कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा, क्या मैं हर 5 मिनट पर करूँगा या हर 2 लाइन लिखने के बाद करूँगा? नहीं, जब मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रहा होऊंगा तो कोई एक फ़ीचर पे मैं काम करता हूँ ना, जाहिर है। एक अगर मैं पेज बना रहा हूँ उसमें मैंने सर्च बार बनाया, ठीक है, उसमें मैंने प्रोफाइल फ़ोटो लगाई, अच्छा, तो जब प्रोफाइल फ़ोटो मैंने कंप्लीट कर ली, एक फ़ीचर कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको कमिट और पुश कर दूँगा, ठीक है ना? हर एक फ़ीचर को कम्प्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको गिटहब के ऊपर भेजूँगा। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो लोगों से शेयर हो जाएगा, दूसरा आप उसमें हिस्ट्री में पीछे भी आ सकते हैं, वो मैंने अभी सिखाया नहीं है लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूँगा, ठीक है ना जी? सवाल, कौन सा एरर घर में आ रहा था, आप एरर को पढ़ के तो बताएं ना मुझे। नहीं नहीं इधर आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हाँ, फेल टू पुश सम रेफ्स, हाँ सम रेफ्स, आगे, हाँ आगे क्या लिखा हुआ, 403 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, फेल टू पुश रेफ का मतलब है कि जो आपने कमिट पुश किया ना वो पुश नहीं हो पाया। पुश ना हो जाने की कोई बहुत सारी वजह हो सकती है, या तो पासवर्ड सही नहीं है तो 401 आ रहा होगा। अगर आपने कमिट नहीं किया है और कमिट करने से पहले आप पुश कर रहे हैं तो 403 आ रहा होगा। चले वेल, आप ये ग्रुप में सवाल पूछ लीजिएगा मैसेज करके।
हाँ पुश हो गया, गिटहब डॉट कॉम पर पहुँच गया, बस ये आपका असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी क्लिक करने पे क्या बोलता है वो? क्लिक ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट बंद हो गया कहीं? अच्छा चले मैं वो आपका एरर देख लेता हूँ, आपका भी देख लेता हूँ, आपका भी देख लेता हूँ। अच्छा बाकी लोगों का अगर कोई सवाल नहीं है तो आप अटेंडेंस लगाना शुरू करें अपनी और हम क्लास से एग्जिट होंगे, ठीक है ना? दूसरी क्लास यहाँ पे आने वाली है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो रह गया? आपका सवाल है जी, खड़े होकर पूछें। नहीं मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट में, मसला नहीं है जी। वो क्रेडेंशियल मैनेजर से उसको रिमूव करना होगा, जो मैंने बताया अभी क्लास में आते ही ना, मैं वो बता देता हूँ। किसी को आसपास आपके पता है क्रेडेंशियल मैनेजर से कैसे रिमूव होगा? इनको बताएं ज़रा, इनको बता दें ज़रा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं खुद बता दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा जी और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी सब लोग आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट करें और यहाँ से अटेंडेंस लगाते हुए घर चले जाएँ, ठीक है ना? क्रेडेंशियल मैनेजर में सेव होगा, अगर आपने पुश किया है यहाँ से तो सेव लाजमी होगा। जब तक वो सेव नहीं होगा पुश होने नहीं देता है वो। अभी मैं देखता हूँ किधर वो सेव हुआ है ना। क्रेडेंशियल मैनेजर से सब अपने क्रेडेंशियल को रिमूव करके जाएं, राइट?